रक्षाबंधन पर इस बार कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। बीते सालों की अपेक्षा इस बार ग्राहक की कम रहने के आसार हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछली बार जीएसटी ने मारा तो इस बार कोरोना वायरस ने हमारे धंधे चौपट करके रख दिए हैं। पिछली बार से इस बार 30% की ग्राहक ही रह गई है। वहीं दिन भर में इक्का दुक्का ग्राहक की ही राखियां लेने आ रहे हैं। लोगों में वायरस का डर है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार माल में वैरायटी कम आई है क्योंकि परिवहन बंद होने के कारण दिल्ली मुंबई और कोलकाता से माल नहीं आ पाया। वहीं ग्राहकों का कहना है कि बाहर निकलते ही कोरोना संक्रमण का भय बना रहता है। भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है और साल में एक बार आता है, इसलिए राखियां खरीदना भी जरूरी है। हम लोगों को राखी खरीदते हुए बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि राखियां अच्छी मिल नहीं रही है और COVID-19 की वजह से सब पूरा मार्केट बहुत सूना सूना सा है और घर पे राखियां बना नहीं सकते क्योंकि इतना मटेरियल मिल नहीं रहा है। और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते के त्यौहार के लिए हम लोगों को राखियां तो खरीदनी ही पड़ेंगे, इसलिए इस तरह की राखियां हम ले रहे हैं। पिछली बार से इस बार राखियां बहुत ही बेकार मिल रही हैं, अच्छी नहीं है। पिछली बार बहुत अच्छा था, इस बार मार्केट वैसा नहीं है, नई राखियां वैसी है। भैया इस बार तो बिल्कुल ही धंधा नहीं है, मतलब 30% ही बिजनेस है क्योंकि कलकत्ता मुंबई और दिल्ली बंद होने की वजह से सारा बिजनेस बिल्कुल बेकार है। वैरायटी नहीं है, जो हमने जनवरी में बुकिंग करी हुई है वही माल आया हुआ, उसके अलावा कोई माल ही नहीं है। अब कस्टमर भी है ठीक है, जो भी है उनको मैनेज करना पड़ रहा है अपने हिसाब से, वो ले रहे हैं जो क्या करें। कोरोना काल है, कोरोना काल में सभी है, डरना ही है उसको तो और क्या। बाकी आप पिछले साल तो जीएसटी ने परेशान कर दिया, इस बार कोरोना ने कर दिया। अभी हमने माल जो लेकर आए हैं तो इस माल का कोई पैसा नहीं निकल सकता, हमें लग नहीं रहा है कि इसमें हमारा कोई धंधा हो सकता है। और इस टाइम पे हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं कि किस तरीके से माल लेकर आए।